हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, iOS 17.4 डेवलपर बीटा 2 रिलीज़ हो चुका है एंड यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया अपने आईफोन 12 में। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस अपडेट में क्या कुछ चीज़ें हमें नई मिलती हैं और यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं यहाँ पर। सो प्लीज़ अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन रख लेना ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाए। यहाँ पर इस अपडेट का जो साइज़ है वो है गाइस 881 MB का 17.4 डेवलपर बीटा 2 आईफोन 12 में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्या कुछ नया हो सकता है तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग देख लीजिए, इससे पहले जो अपडेट था 17.4 डेवलपर बीटा 1 था, जिसका यहाँ पर बिल नंबर था 21E5184K था लास्ट में। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अवेलेबल स्पेस की तो वो था 46 GB के आसपास, 0.1 GB ही कम है, 46 GB मान के चलते हैं इतना था। एंड बात करें अगर मॉडर्न फर्मवेयर की तो वो था 4.50.00। वहीं पर अगर मैं बात करूँ आईफोन स्टोरेज की तो 17.4 था यहाँ पर 10.7 GB का और सिस्टम डाटा था 3.31 GB। अब बात करते हैं गाइस कुछ प्रॉब्लम की जो इस अपडेट के बाद तुरंत मैंने फेस की, वो था ये। जब मैं इसका GPU चेक कर रहा था तो यहाँ पर ये टाइमिंग लिखा आ रहा था 2:43, न बढ़ रहा था न घट रहा था। और यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, करीब 20 मिनट तक ये चीज़ चलती रही और ये फंस गया। तो आगे क्या होने वाला है पता नहीं गाइस। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें नई देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहले एक जो है एक नई चीज़ मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ नया मिलता है। सेटिंग में जाएंगे गाइस आप लोग, यहाँ पर प्राइवेसी इन सेटिंग्स में रहेंगे तो एक डोंगल नया चीज़ मिलती है आप लोगों को देखने को, वो है यहाँ पर क्या चीज़, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। वो है यहाँ पर पास की एक्सेस फॉर वेब ब्राउजर्स। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था गाइस कि 17.4 जो अपडेट आएगा स्टेबल, तब यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए साइड लोडिंग का जो फीचर है वो एप्पल अनेबल कर देगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है उसी के रिगार्डिंग हो रही हैं कि आपके आईफोन को और थोड़ा जो है जो आपके फ़ोन की जो प्राइवेसी है वो उसको इम्प्रूव कर सके। तो पहले ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को अभी नहीं मिलती है, बट अभी आपको जो है ये फीचर जो है 17.4 स्टेबल अपडेट में देखने को मिल जाएगी। बात करें और क्या कुछ नया है, तो आपको एक नया विजेट मिलता है जो कि क्लॉक का है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी आपके आईफोन में जो क्लॉक के विजेट्स होंगे वो आई थिंक 9 होंगे, एंड अभी आप यहाँ पर आपको जो है जो क्लॉक के विजेट्स हैं वो आपको 10 हो जाएंगे। मतलब एक विजेट जो है एक तरीके से मैं कहूँगा वो बढ़ चुका है। ये देखिए आप लोग, ये आपको एक नया विजेट मिलता है, कौन सा, उसका नाम है यहाँ पर सिटी डिजिटल करके। ये आपको जो है एक नया विजेट मिलता है जो कि आपको पहले नहीं मिलता था। यहाँ पर अगर मैं आपके पुराने वाले 17.3 स्टेबल अपडेट में जाऊँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले कुछ 9 विजेट्स थे तो, और अभी आपको यहाँ पर मिलता है सिटी डिजिटल। ये एक आपको नया विजेट देखने को मिलता है। सो दिखने में काफ़ी ठीक लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो ये चीज़ है नई। अब बात करें सीन क्या है यहाँ पर कुछ चेंजेस का, तो सबसे पहले आपको मैं दिखाऊँगा यहाँ पर क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो बिल्ड नंबर है वो क्या है, वो है गाइज यहाँ पर 21E5195E, पहले के था अभी लास्ट में ई आ चुका है। बात करें अवेलेबल स्पेस की तो थोड़ा सा कम हुआ है, पहले 46 के आसपास था अभी 45.45 हो गया है, तो ये चीज़ यहाँ पर चेंज हुई है। बात करें अगर मॉडर्न फर्मवेयर की तो पहले 4.50 था अभी 4.50.02 हो चुका है, तो कनेक्टिविटी हो सकता है थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। पहले अगर अच्छी थी तो आपको हो सकता है थोड़ी और अच्छी जो है कनेक्टिविटी देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ आईफोन स्टोरेज की तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10.73 GB एंड 3.73 GB, इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है, हल्के फुल्के से चेंजेस हैं जो कि पहले मतलब नॉर्मल से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये हो गई गाइस चेंजेस की। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस कैसी है, जो कि मैंने भी आपको बताया कि वहाँ पर जब मैं GPU टेस्ट कर रहा था तो वहाँ पर फ़ोन जो है स्टक कर गया था। बात करते हैं CPU में, पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिर 7 तारीख को ही जो मैंने आज किया पहले क्या था ये आप लोग चेक कीजिए, 17.4 डेवलपर बीटा 1 का जो सिंगल कोर निकल गया था 2009 और मल्टी कोर निकल गया था 4827। वहीं पर अगर मैं बात करूं आज की 7 फरवरी है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो सिंगल कोर है वो है 1988 जो कि कम हो चुका है, वहीं पर मल्टी कोर वो भी 4612 बचा है, तो मल्टी कोर भी यहाँ पर जो है वो कम हो गया है, पहले 4827 अभी 4612 हो चुका है, तो ये नंबर भी कम हो गया है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ GPU बेंचमार्क्स की, क्योंकि जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था तो फ़ोन जो है स्टक कर गया था, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले कितना था, ये आप लोग देखिए इसमें पहले था 16433 एंड अभी है यहाँ पर 16625। तो ये जो नंबर है थोड़ा सा GPU स्कोर यहाँ पर बढ़ गए हैं,
तो परफॉर्मेंस ओवरऑल आपको थोड़ी सी बेटर ही मिलने वाली है मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर गेमिंग वगैरह टेस्ट वगैरह करूँगा, उसका वीडियो बाद में आएगा। एंड यहाँ पर अगर आप पब्लिक बीटा अपडेट यूज़ करते हैं, जो कि मैं अपने आईफोन 13 में यूज़ करता हूँ, तो आज रात को आएगा, उसकी वीडियो आपको कल मिलेगी। तो आईफोन 12 पे मैं डेवलपर बीटा इंस्टॉल करूँगा, 13 पे पब्लिक बीटा, 14 पे स्टेबल अपडेट, 15 पर भी स्टेबल अपडेट। तो ये सीन रहने वाला है। आपके पास कोई भी आईफोन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आईफोन 12, 13, 14, 15 इन सब पे अपडेट्स के वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। तो इस अपडेट के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास आप डेवलपर बीटा अपडेट यूज़ करते हैं तो आईफोन 12 पे मैं आपको बता दूंगा अपडेट करना है नहीं करना, इसका भी प्रॉपर रिव्यू करूंगा। इसमें कुछ नए इमोजीज भी ऐड हुए हैं एंड यहाँ पर पॉडकास्ट में जो है आपको कुछ चीज़ें नई नई मिल जाती हैं कि आपके पॉडकास्ट जो है वो ट्रांसक्रिप्ट हो जाएंगे, वो सब मिलता है आपको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत काम की नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें अपने इंडिया में हम बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो ये थे कुछ फीचर्स 17.4 डेवलपर बीटा 2 के। तो अगर आप डेवलपर बीटा अपडेट यूज़ करते हैं आईफोन 12 में, तो आप लोग जो है 2 से 3 दिन का वेट कीजिए, 2-3 दिन अच्छे से इसे यूज़ करूँगा, फिर मैं आपको बता दूँगा अपडेट करना नहीं करना, प्रॉपर रिव्यू करूँगा। एंड आईफोन 13 में पब्लिक बीटा अपडेट यूज़ करता हूँ तो रात को आ जाएगा, उसकी वीडियो आपको कल जो है मैं अपलोड करके जो है वो आप लोगों को पहुँचा दूँगा। सो ये था मेरा वीडियो, आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।